नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चाय हर घर में बनती है और लोग इसे थकान मिटाने के लिए पीते हैं। अक्सर लोग चाय बनाने के बाद इसकी पत्तियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन उबली हुई पत्तियों को घर पर बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चोट लगने पर उबली हुई चाय की पत्ती घाव भरने में इस्तेमाल करना चाहिए, इससे खून बहना बंद हो जाता है। बालों को नरम, मुलायम और चमकदार बनाने के लिए मेहंदी में चाय की पत्ती आंवले का पाउडर मिलाकर लगाने से फ़ायदा होता है। काबुली चने बना रही हैं तो चने उबलते समय चाय की पत्ती को पोटली बांधकर बनाकर डाल दें, इससे चने का रंग और स्वाद अच्छा हो जाएगा। लकड़ी का फर्नीचर गंदा हो गया है तो उसे साफ़ करने के लिए पानी में पत्ती उबालकर उस पानी से फर्नीचर और शीशे साफ़ करें, चमक जाएंगे। चाय बनाने के बाद बची हुई पत्ती को अच्छे से धो लें, फिर इन पत्तियों को मनी प्लांट, गुलाब के पौधों और किसी भी पौधों में खाद के रूप में दीजिए, ये अच्छी खाद बन जाएगी। चाय बनाने के बाद बची हुई पत्तियों को दोबारा उबालकर उस पानी में घी और तेल की चिकनाई वाले डब्बे साफ करें, इससे दुर्गंध भी ख़त्म हो जाएंगी और बर्तन चमक जाएंगे। मक्खियों ने अगर परेशान कर दिया हो तो पहले से धोकर रखी हुई चाय के पत्तियों को गीला करके वहाँ रगड़ दें जहाँ पर मक्खियाँ बैठी हो, दोबारा वहाँ वो मक्खियाँ नहीं आएगी। चाय में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ऐसे में चोट या किसी जख्म पर चाय की पत्ती का लेप लगाने से फ़ायदा रहता है। उबली हुई चाय पत्ती को अच्छी तरह धो लें, इसे चोट पर लगाने से घाव जल्दी भर जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो चाय पत्ती को धोकर दोबारा उबाल लें, इस पानी से घाव धोने से भी फ़ायदा होगा। चाय पत्ती का पानी एक बेहतरीन कंडीशनर होता है। चाय पत्ती को धोकर दोबारा उबाल लें, इस पानी से बालों को धोएं, इससे बाल चमकदार और सॉफ्ट हो जाएंगे। चाय पत्ती को दोबारा धोकर सुखा लें। काबुली चने बनाते समय इन चाय पत्ती को इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे चने की रंगत निखर जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारियाँ अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिल पाए। हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स और सुझाव भी हमें दीजिए। शुक्रिया।